प्रभु कही हनुमान इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना आपके पास अपने पति का सिर मांगने के लिए आई है। ठीक है, आओ देवी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्य हो देवी, कहिए देवी अपने आने का कारण कहिए। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, दुख की घनी सताई हूँ, अपना सिर नीचे ये हुए पति का सिर लेने राम दया रखे ये टेक भिखारी की आशा तो स्वीकृत होगी बिनती है ये भिखारी। अंगद जी अब आप सीख कीजिए और देवी के पति का सिर लाकर दे दीजिए। हे भानवंश भूषण हे रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए आप जो बात अभी वह पाड़ों को है सुधराई। बल छोड़ रहे ये अद्भुत बल है, हे राम आपका यह यति निर्मल है यति। धन्य हो देवी, आप धन्य हैं। मैं आपका दुख देखकर मैं अंदर से बहुत दुखी हो रहा हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपके पति को जीवित कर सकता हूँ। नहीं भाई, दे देवलोक से लौट अगर इस मृत्युलोक में आएंगे इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर सुगत न पाए। बात है कहती हूँ असरार, बतलाइए देवी। घनानंद लक्ष्मण का महायोग था, वास्तव में भूम में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है तपस्विन से पड़ था मेरा, मुझ पद को रक्षत रखूंगी वह महान। परपत तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया था, बस इसी एक दुर लवता ने मुझको ये दिन दिख लाया। मैं तो इसी ओर अकेली हूँ, उसी ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमिला से रुमिला सती में सीता है। संकेत उसी का पाकर में, संदेश उसी का पाकर में,
मैं अपना धन मांग नहीं दाना पहला करे हाथों। अंगद जी सिर को लाकर तुरंत ही दे दीजिए। हे प्रभु, इस देवी की बात में तो मुझे कुछ संशय मालूम पड़ता है प्रभु। क्या संशय है आपको? क्या कटी हुई भुजा लिख सकती है क्या? क्यों नहीं, पद पर धर्म में बहुत शक्ति होती है। हे प्रभु, यदि कटी हुई भुजा लिख सकती है तो यह कटा हुआ से हंस भी तो सकता है प्रभु। अवश्य। अंगद जी, जो स्त्रियां छल कपट को छोड़कर सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती हैं, वो संसार में यश कीर्ति को प्राप्त करके भव सागर से पार करती हैं। यह देवी चाहेगी तो उसका सिर पति के सिर अवश्य हंसेगा। अच्छा प्रभु, यदि आज नात तुम न हंसे तो जुल्म यहाँ पर भाई है। सब भक्ति बात हमारी है यार, मुझ पर हंसी तुम्हारी। हे स्वामी, यदि मैं ऐसा जानती कि तुम रामादल में मारे जाओगे तो मैं अपने पिता शेषनाग को बुलवा लेती तुम्हारी सहायता के लिए। देखा अंगद जी, मैंने कहा था कि पद पर धर्म में बहुत शक्ति होती है। देवी तुम धन्य हो और जो बल लगे वो मांग लो। मेरा एक काम कर दीजिए। ये तो कि हाँ भाई, माता बहन भोले शंकर के आध घंटे और रुक जाए मंदिर में जाऊं। माता बहन आज शंकर का तप करूं और शंकर भोलेनाथ की असीम शक्ति से अहरावण को लंका में बुलाऊं। मंत्री हवन सामग्री का प्रबंध किया जाए। अरे भक्तिय किसी बुका चला है, शिव मनाने के लिए भक्तिय किसी बुका चला है।
चढ़ाने के लिए मंत्री क्या भोलेनाथ के मंदिर में आ गए हैं और क्या महाराज चलो यज्ञ चाहते हैं आ महाराज कार्यपूरी गरम करुणा बतारम संसार सारम भज गए इंद्रहारम सदा बसंतम हृदारविंदे भवम भवनी सहतम नमः भोले शंकर मेरी जिंदगानी आए गिरासी मेरी जिंदगानी आज माने के काबिल Let's go!
भाई। Thank you.
साउंड वाले विकास, यदि मेरी आवाज पहुंच रहा तो साउंड के पास आ जाए विकास, साउंड वाले विकास। हेलो अंगद जी, यहाँ पर प्रभु श्री राम नहीं नजर आ रहे। हाँ यहाँ पर तो हनुमान जी पहला दे रहे थे। बॉबी यदि ऐसा है तो सारी लंका सब मैं आज बहा दूंगा, दस मुख के सब टुकड़े कर कर आकाश बना दूंगा। पावर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है, कल तक फलदायक ही था पर आज पूर्ण भयंकर है। अरे भक्त विभीषण राज, जब हम प्रबंध में पहरा दे रहे थे तब आप कहीं से आए थे, उस डरावनी अंधियारी में हम बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा इधर अपनी धुन में पर आप नाथ की ओर गए, एवं आप ही सीट बतलाएं प्रभु किस ओर गए। अरे हनुमान जी, मैं तो प्रभु के साथ ही सो रहा था, पहरेदारी तो आप कर रहे थे। आप ही तो आए थे अर्धरात्रि के समय, कह रहे थे कि मैं समुद्र पर घूमने के लिए गया था। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो प्रभु के साथ ही सो रहा था। तो फिर अरे संकट मोचन, आप हमें बताओ, मैं अपना घर परिवार तज करके प्रभु श्री रामचंद्र की शरण में आया, क्या मैं उन्हीं के साथ धोखेबाजी कर सकता हूँ? ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर वो कौन था जो आपका भेष धारण करके आया और प्रभु श्री रामचंद्र को ले गया? अच्छा हनुमान जी, आप मुझको ये बताओ, क्या मेरी जैसी चाल थी? हाँ हाँ भक्त विभीषण राज, आपकी ही जैसी तो चाल थी। मेरी जैसी ही वेशभूषा थी क्या? हाँ हाँ आपके ही जैसी वो वेशभूषा थी। क्या हमारे जैसे ही लंबाई थी? हाँ हाँ बिल्कुल सत्य। अच्छा तो सोचता हूँ कुछ न कुछ उपाय हनुमान जी अवश्य ही बताऊंगा। अरे याद आया अंजनी लाल, याद आया, आप इतने नगर में आओ, मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। लंका का राजा रावण है और रावण का पुत्र अहरावण है, जो वास्तव में ही मेरे परिवार का सदस्य है और वो ही मेरे जैसा देश बनाना जानता है और मेरी जैसी चाल वो ही चलना जानता है और मेरे जैसी लंबाई भी उसी की है, मेरे ही जैसा रंग है और मैं कसम खाकर कहता हूँ हनुमान जी, वो मेरे परिवार का ही है और वो मेरे सारे कार्यक्रमों को हर तरीके से जानता है। जो भी मैं लंका में, जब भी मैं लंका में रहता था तो
जो भी कार्यक्रम मैं करता था तो मेरी नकल उतारने में वे बहुत ही चालाक और निपुण था। भक्त विभीषण राज, अब क्या करना चाहिए, अब शीघ्र ही बताइए आप। हे हनुमान जी, आप तनिक विलंब न लगाओ और सीधे पातालपुरी की तरफ चले जाओ, क्योंकि उस दुष्ट का निवास पातालपुरी में है और पातालपुरी में जाकर श्री राम चंद्र जी को उस दुष्ट से मुक्त करा लाओ। अच्छा प्यारो दो पिता, सो उत्साह उल्लास, राम कार्य करने हेतु चला राम का दास, जय श्री राम। अरे जब तलक चलता रहेगा ये चक्र संसार का, बुरा होता रहेगा ऐरावत तेरे व्यवहार का।